नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पांडे और आज हमारे साथ हैं पंडोखर थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला। दर्शन शुक्ला जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने पुलिस विभाग ज्वाइन क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप, और भी विभाग थे? जी मैं बताता हूँ कि मेरा पूर्व में जो मेरा परिवार है वो दसवीं पीड़ित रहा है जी। तो शुरू से ही मेरा ये वो था कि मैं आगे चल के पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा और इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा, जिनसे कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी जिनके अत्याचार के कारण कई समय तक पीछे ढकेल जाती हैं। पुलिस अधीक्षक के संबंध में बात करें तो पुलिस अधीक्षक जी के क्या दिशा निर्देश हैं आप लोगों के लिए, जनता के हित में? हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं निश्चित रूप से बहुत ही ईमानदार और एक बेहतरीन मार्गदर्शक हैं। किसी भी अपराध के संबंध में उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश रहते हैं कि जो सही है उसके उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जिसमें दबाव झेलने की आवश्यकता नहीं है और जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दर्शन जी, सवाल करेंगे, सरकार से जुड़ा हुआ एक सवाल है। पहले आप लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती थी, अब कमलनाथ सरकार में आपको छुट्टियां मंजूर हुई हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं आप लोग? छुट्टियां पहले भी थी किंतु अभी एक निश्चित दायरा कर दिया गया है कि आपको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा जी। तो निश्चित रूप से हम जो परिवार अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो वो अपने बच्चों को एक सही समय पर जाके उनको देख सकते हैं। और आपको आपको आते हुए अभी 4 माह हुआ है, इन 4 माह में देखा जाए तो आपने किन किन मामलों को आपने सुलझाने का प्रयास किया है? थाना क्षेत्र के लगभग जो सभी मामले हैं हमारे यहाँ कोई भी पुरानी पेंडेंसी नहीं है और सारे मामले मैंने, जैसे कुछ 307 के 376 के मामले थे वो मैंने बढ़ चढ़ के हमारे स्टाफ ने, मैंने और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, SDOP महोदय और एडिशनल SP महोदय के मार्गदर्शन में सफलतम कार्रवाई करते हुए और उनका निकाल किया है। सर, आपका प्रचलन भी जोरों पर चलता रहता है तो ऐसे में अपराध की जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं नशे से होती है, तो नशे पर रोक लगाने के लिए आपके क्या प्लान है? नियमित रूप से हम जो है वाहनों चेक करते हैं, वाहन चेकिंग के दौरान जितने भी शराब पीकर जो वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, नंबर एक। दूसरा, जो कहीं भी जो ठेक जो शराब की नियमित दुकानें हैं उनके अतिरिक्त अगर कहीं शराब, तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं हम लोग और जनता को प्रेरित करते रहते हैं कि वो शराब ना पिए, शराब की लत से दूर रहें, जिससे कि अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकें और उन्नति कर सकें जी। अपराध की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं, कैसे अपराध घटित होता है समाज में देखा जाए? अपराध मूल रूप से देखा जाए तो आपसी विचारों का मतभेद होता है जी। मध्यस्थता करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जब भी कभी मैं जनसंवाद लेता हूं तो बुजुर्गों को प्रेरित करता हूं कि वो भागीदारी करें इसमें और मतभेदों को दूर करें, जिससे कि जो है समाज में आपस में भाईचारा बना के रखा जा सके और जो अपराध है उनकी संख्या कम हो, घटित होने में जी। दर्शन जी, एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि जनता जो है पुलिस की दहलीज पर आने से पहले कांपती थी, बीच के लोग मध्यस्थता करते थे जिससे कहीं ना कहीं पुलिस और जनता के बीच संपर्क नहीं हो पाता था, तो अब एक जनसंवाद से एक निश्चित रूप से एक जनता को जी, निश्चित रूप से जो है जो मध्यस्थता करने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं और अपने आप में एक जिनकी एक इमेज होती है, हम भी सबसे पहले जाते हैं कहीं पोस्टिंग होती है तो हम भी तलाश करते हैं कि हमारे जो थाना क्षेत्र में कौन मुअज्जिद आदमी है जिनसे कि हमें किसी भी घटना की सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो न्याय और नीतिगत बात करते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं प्रोत्साहित करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि वो कभी भी लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं और जो आपसी में सुलझाए जा सकते हैं उनमें वो सक्रिय भागीदारी निभाएं और जिससे कि इसका एक परिणाम ये भी होता है कि समाज में आपसी प्रेम बना रहता है। आखिरी सवाल
जनता आपकी देख रही है, अपने क्षेत्र के जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आपसी स्वार्थ और भाईचारे से रहें, और जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों में उनका संचार करें और जो अच्छी चीज़ें उनको फैलाएं, और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। जितना आप लड़ाई झगड़े और इसमें रहेंगे, समय अपना वो करेंगे, तो अपने आपकी उन्नति के लिए उतना समय कम हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़े में चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप सतत निरंतर आगे बढ़ते रहें और वैमनस्यता छोड़कर प्रेम के रास्ते पर चलें। वैमनस्यता छोड़कर प्रेम के रास्ते पर चलें, ये आवाज़ थी पंडोकर थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला की। फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, देखते रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार।